बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा कर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। So hello everyone, this is Rabshankar Tripathi and in this video we are going to give you a hostel tour of Shivaji Boys Hostel CSGM. So in CSGM we have two boys hostels, पहला Shivaji Boys Hostel और दूसरा स्वर्ण जयंती बॉयज हॉस्टल जो कि मेरे ठीक पीछे, और हम लोग Shivaji Boys Hostel में रहते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस ब्लॉग कह लो या फिर टूर, चलते हैं मिस, आज संडे है, मस्त आलू के पराठे खा के आते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। रोल इनटू द वीडियो। मैं आपको हॉस्टल में रहने का एक नुकसान बताता हूँ कि आप सोचते कुछ और आपको करना कुछ और होता है। सो हॉस्टल गेट से एंट्री लेते ही आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। इस साइड एक प्रॉपर बास्केटबॉल कोर्ट है जहाँ पे यूजुअली क्रिकेट और फुटबॉल होती है। इस साइड आपको साइकिल और बाइक की पार्किंग मिल जाएगी, और हॉस्टल में बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है, आनंद आता है यूजुअली। ये सेकेंड फ्लोर विंग, और ये सेकेंड फ्लोर विंग के कमरे कुछ ऐसे ही होते हैं। अब चलते हैं डाउन फ्लोर। और ये फर्स्ट फ्लोर की बालकनी व्यू है। और ये फर्स्ट फ्लोर के रूम है, सारे सिमिलर रूम है, जितने ए बी सी डी सारे ब्लॉक्स के रूम बिल्कुल सेम है। ये कुछ ऐसा Shivaji Boys Hostel का बाथरूम है, और ये सारे फ्लोर पे ऐसे बाथरूम आपको मिलेंगे बिल्कुल सिमिलर, सेम डिजाइन हर जगह फॉलो की गई है, ए बी सी डी, फर्स्ट विंग, सेकंड विंग, थर्ड विंग, हर जगह। और ऐसे आपको बच्चे सुबह देर से आते हुए मिल जाएंगे जो कि 10 बजे उठ के घर पे बताएंगे कि मैं 4 बजे उठता हूँ। सो गुड मॉर्निंग। और ये कुछ सिमिलर सा ए ब्लॉक है, यहाँ भी सारी चीज़ें बिल्कुल भी ब्लॉक जैसी सेम है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, नहीं सॉरी ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वॉशरूम, एकदम रूम बिल्कुल सेम है, बालकनी बिल्कुल सेम है, सेम स्ट्रक्चर हर जगह फॉलो हुआ है। चलते हैं मेज की तरफ। हाँ इडली कैसी है, खाओ, ट्राई करो, सही है, झूठ मत बोलना, सही से खा के सही सही बताना। अरे अच्छी बनी है भाई। अच्छी लग रही है तुम्हें? आज कितनी है? परम भाई तुम्हें? चटनी अच्छी है भाई, हमने आधी खाई है यार। चलो थम्स अप। और सांभर, सांभर सांभर नहीं सही, सांभर नहीं सही ना, लेकिन चटनी सही थी, चटनी सही थी, चाय भी थोड़ी अच्छी है, ओवरऑल सही है, ओवरऑल सही है। चलो सो Shivaji Boys Hostel का ये कुछ बाहर से लुक है, और अक्सर आप लोग भी अगर टाइम रहेगा तो गार्डन में ऐसे सोते मिलोगे, और यहाँ से लुक बहुत अच्छे आते हैं,
पूरी ग्रीनरी अच्छे से दिखती है आपको। और इस गार्डन में ऐसे यूजुअल तो ये गार्डन बनाया गया है, ये स्टेडियम बनाया गया है या फिर कह लो ये पार्क बनाया गया है बास्केटबॉल के, लेकिन यहाँ पे यूजुअली होता है क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी। बास्केटबॉल आपको यहाँ कभी नहीं मिलेगी। सो कुछ ऐसा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गोइंग टू बी द शिवाजी बॉयज हॉस्टल पार्किंग। और यहाँ पे सारे लोग जितने बॉयज हॉस्टल में बच्चे हैं सबकी साइकिल और सबकी बाइक खड़ी होती है, उसके बाद ही प्रॉपर स्पेसिंग रहती है। और इस साइकिल पार्किंग के बाद ये हम लोग के पास छोटा सा पार्क है जिधर यूजुअल कोई जाता नहीं है, लेकिन अच्छी से अच्छे फल इधर है, तो अमरूद, आम, स्टार फ्रूट और कई सारे हैं यार। इसका तो मैं अभी इधर नहीं घुमाऊँ, बट चीज़ें अच्छी हैं, तो आप लोग जब आओगे तो सारी चीज़ें खुद ब खुद देख लोगे यार। सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एपिसोड। सो हे एवरीवन, आई डोंट नो कि मुझे ये चीज़ जाननी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, बट बॉयज हॉस्टल के सामने कुछ ऐसा सा जंगल है मेरे भाई, जो कि अच्छा दिखता है, मगर यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, तो मैं यहीं से वापस हो जाता हूँ। और अंदर क्या मिलेगा पता नहीं। और ये यहीं नहीं ख़त्म होता, इसके बाद वो दूसरे रोड तक जहाँ तक यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है वहाँ तक ऐसा ही है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरी बडीज। प्रेम की रंग में ऐसी डूबी हो गई मैं तेरी यार, असल की नाम जपते जपते और जपू मैं श्याम, सांसों की माला पे सुनूं मैं हॉस्टल का नाम।